यूपी के कानपुर में एक विशाल विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध मिला है, जो अक्सर हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाता है। 6-6 फीट वाले लंबे पंखों के इस विशालकाय पक्षी को ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के लड़के ने 5 लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तान कर पकड़ा। आपको बता दें कि यह एक विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध है, जो कानपुर के कर्नलगंज के ईदगाह कब्रिस्तान में मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1-2 दिन नहीं, करीब 1 हफ्ते से यह इस इलाके में है। 6-6 फीट लंबे पंखों वाले इस विशालकाय पक्षी को ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के लड़के ने 5 और लोगों के साथ मिलकर पकड़ा। तब से इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालांकि अब इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। वन विभाग ने इस गिद्ध को चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया, जहां इसे क्वारंटीन किया गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी दुर्लभ प्रजाति का यह गिद्ध आखिर आया कहां से। इस दौरान उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां गिद्ध का एक जोड़ा था, एक गिद्ध मौके से उड़ गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।